हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेयर में। इस चैनल पर आपको मिलेगा स्टडी विद विजुअलाइजेशन, शॉर्ट एंड सिंपल नोट्स, लर्न एंड अंडरस्टैंड ईजली। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का थर्ड यूनिट। प्रीवियस वीडियो में हमने ब्लड एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग, जिसे हम ब्लड कोएगुलेशन के नाम से भी जानते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं ब्लड कोएगुलेशन को। ब्लड कोएगुलेशन इज़ द प्रोसेस इन विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू जेल एंड फॉर्म क्लॉट। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें ब्लड लिक्विड से जेल में कन्वर्ट होता है और एक क्लॉट की फॉर्मेशन करता है। दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। ये प्रोसेस होम्योस्टेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन अदर वर्ड्स, कोएगुलेशन इज़ द प्रोसेस इन विच ब्लड क्लॉट इज़ फॉर्म्ड। ये सबसे ईजी डिफाइन है इसकी। कोएगुलेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन होती है, मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन करते हैं। दिस प्रोसेस प्रिवेंट द एक्सेसिव ब्लीडिंग व्हेन द ब्लड वेसल इज़ इंजर्ड। ये प्रोसेस प्रिवेंट करती है ब्लीडिंग को जब हमारी ब्लड वेसल्स ब्रेक हो जाती है या किसी भी कारण से वो इंजर्ड हो जाती है। ये हमारे तीन स्टेप्स हैं। स्टेप्स ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, ये तीन स्टेप्स हैं हमारे ब्लड कोएगुलेशन के। पहला हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंड है हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और थर्ड है हमारा क्लॉटिंग एंड कोएगुलेशन फैक्टर। फर्स्ट हमारा आता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। व्हेन आर्टरी और ब्लड वेसल डैमेज द स्मूथ मसल प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल स्टार्टेड टू कंस्ट्रिक्ट। जब भी हमारी ब्लड वेसल या आर्टरी डैमेज होती है, जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है उसकी वॉल्स में, वो कंस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। कोलेजन एक्सपोज्ड, वस्कुलर स्पाज्म ओकर। इट रिड्यूस ब्लड लॉस फॉर सेवरल मिनट्स बट नॉट फॉर परमानेंट। कोलेजन एक्सपोज्ड होती है, वस्कुलर स्पाज्म होना स्टार्ट होता है जो कि ब्लड लॉस को कम करता है कुछ मिनटों के लिए, पर ये परमानेंट नहीं होता। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो स्मूथ मसल सेल्स हैं ये कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं और ये जो कट लगा है ये इसे रिड्यूस कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप आता है हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। इट ओकर आफ्टर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल बट बिफोर द क्रिएशन ऑफ फिब्रिन्स मैश क्लॉट। इट कैन रेफर टू अस प्राइमरी होम्योस्टेसिस। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन को हम प्राइमरी होम्योस्टेसिस भी कहते हैं और ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के बाद होता है। चलिए इसके स्टेप्स देख लेते हैं। प्लेटलेट एडेशन, exposure of endothelial cells, exposure to collagens, platelet contract and stick to damage area. endothelial cells expose होते हैं, collagen expose होते हैं और फिर platelet contract होना start होती है और damage area पे stick हो जाती है। इसका second part आता है platelet release radiation. platelet become activate, platelet activate होती है। दे एक्सटेंड मैनी प्रोजेक्शन, ये मैनी प्रोजेक्शन को एक्सटेंड करती है। रिलीज एडीपी, थ्रोम्बैक्सिन एक्टिवेटर नियर बाय प्लेटलेट। ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट रिलीज करती है और ये एक एक्टिवेटर है थ्रोम्बैक्सिन एक्टिवेटर, जो कि नियर बाय प्लेटलेट्स को इन्वाइट करता है। एंड प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ये एक प्लेटलेट अटैच होने के बाद ये केमिकल रिलीज करती है थ्रोम्बैक्सिन एक्टिवेटर्स, जो आसपास की जो प्लेटलेट्स हैं उसको भी वहाँ अटैच करने में हेल्प करता है और वहाँ एक प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन की फॉर्मेशन होती है। थर्ड हमारा आता है क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर में दो होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे पहले देख लेते हैं। इसमें होता है कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन। क्लॉटिंग फैक्टर का जो कॉन्टैक्ट होता है ये कन्वर्ट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 12 को क्लॉटिंग फैक्टर 12A में। ये 12 को एक्टिवेट कर रहा है। और 12 क्लॉटिंग फैक्टर 12 कन्वर्ट करता है 11 को 11A में, और इसी तरीके से 11 क्लॉटिंग फैक्टर 11 कन्वर्ट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 9 को 9A में, और इसी के साथ क्लॉटिंग फैक्टर 9 कन्वर्ट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 10 को 10A में। इसी तरीके से एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी इंजरी होती है, इंजरी होने की वजह से क्लॉटिंग फैक्टर 7 कन्वर्ट होता है क्लॉटिंग फैक्टर A में 7A में, और क्लॉटिंग फैक्टर 7 कन्वर्ट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 7 टिश्यू फैक्टर के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाता है टिश्यू फैक्टर, और ये फिर ये कन्वर्ट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 10 को 10A में, और दोनों तरफ से क्लॉटिंग फैक्टर 10 प्रमोट करता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को, और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है एक्टिवेट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में, जिसकी वजह से हमारा क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। तो चलिए गाइस एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने सबसे पहले पढ़ा था ब्लड क्लॉटिंग, कि ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है। ब्लड क्लॉटिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें ब्लड लिक्विड से जेल में कन्वर्ट हो जाता है और क्लॉट की फॉर्मेशन करता है। फिर हमने देखा था कि ब्लड क्लॉटिंग होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेकंड हमने देखे थे स्टेप्स इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, मतलब ब्लड क्लॉटिंग का क्या मैकेनिज़्म था, कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू ब्लड क्लॉटिंग होती है। इसमें सबसे पहले था वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के बाद होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के बाद था क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर की हेल्प से ही क्लॉट की फॉर्मेशन हो रही थी। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। तो गाइस उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। और अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से फ्री में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।